हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सरिता का। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज डेट है 11 फरवरी और दिन है रविवार। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, खाना हमारा बन चुका है और यहाँ पर रखने आ गए हैं दूध। तो दूध हमने रख दिया है आग सुलगा करके। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करती हूँ आप लोग फुल इंजॉय करेंगे और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद भी बहुत ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो है आ गए थे खाना बनाने के बाद में, बर्तन भी धुल लिए थे और उसके बाद में कपड़े थोड़े से पड़े हुए थे इनको लेकर के आ गए हैं। तो इनको धुल लिया था तो डाल देते हैं। तो कपड़े हमने डाल दिए हैं और कपड़े डाल करके नीचे चलते हैं। और उसके बाद में जो है, और दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि दो वीडियो के हम रिप्लाई आप लोगों के नहीं दे पाए हैं। तो बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हमने नहीं दिया है। और यहाँ पर जो है मिट्टी हमने भिगो दिया था तो चूल्हा सुबह जल नहीं रहा था, तो इसको जो है फूंकने में थोड़ा सा फूट गया है। तो हमने कहा चलो इसकी इधर मिट्टी लगा देते हैं, नहीं तो अभी जब बनाएंगे खाना तो यहाँ पर बर्तन नहीं रुकने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी मिट्टी भूसा में मिला करके लगा दिया है इधर, उसके बाद में करेंगे पुताई। तो यहाँ पर जो है हंस रहे थे, बच्चों से बातें कर रहे थे क्योंकि हमारी बड़ी वाली दीदी आई हैं यानी कि ननद जी, तो अभी मिलाएंगे उनसे भी। तो थोड़ा सा जल्दी था तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं शूट किया है और काफ़ी टाइम भी हो गया था दीदी को आए हुए जब हम पुताई कर रहे हैं। और कल की वीडियो में हमारी काफ़ी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और एक पिछली वीडियो में एक हमारी प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी हम आपकी वीडियो में जब नाना जी की हमें बहुत याद आती है, जब हम जो है आपकी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही याद करते हैं। तो बहन क्या किया जाए, कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा, आंखें भी भर आई क्योंकि नाना जी हम लोगों से कह के गए थे कि जैसे ही धूप निकलने लगे तो भैया को जो है भेज देना और हमको यहीं पर बुला लेना, क्योंकि यहाँ गांव है और सभी हमारी मौसी जो है शहरों में रहती हैं, तो इस वजह से गांव जैसा वहाँ उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों से बातें करते करते पुताई भी हमारी हो चुकी है। और पुताई करने के बाद में चलते हैं जो है उधर सामने वाले घर से लकड़ी लाएंगे, जहाँ से जो है कंडे लेकर के आए थे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, तो वहीं से जो है लकड़ी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं और दरवाज़ा हमने खोल लिया है, उसके बाद में निकालेंगे सीढ़ी। और ये सीढ़ी जो है हमारी हल्की है, यानी कि ज़्यादा वज़न लेकर के इस पर नहीं चढ़ा जा सकता है, जैसे हम लोगों का सिंपल काम हो जाता है गोबर वगैरह का, बस यही काम भी होता है ज़्यादातर, और कुछ नहीं इससे किया जाता है। तो यहाँ पर जो है छत पे लकड़ी इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद में जो है नीचे डाल देंगे। तो थोड़ी सी जो है लकड़ी इकट्ठा, वहीं पर कंडे हैं, लकड़ी हैं, तो थोड़ा सा उनको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, फिर जो है नीचे डाल देंगे। लकड़ी हमने डाल दिया है और सबसे पहले लकड़ी लाने के पहले जो है ये सीढ़ी अंदर कर देंगे और दरवाज़ा भी बंद कर देंगे, क्योंकि सीढ़ी का अब काम नहीं है तो ये अंदर ही रख देंगे और फिर जो है ये लकड़ी उठा करके ले आएंगे।
और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही प्यारा है, वीडियो पसंद आ जाए तो बिना लाइक किए मत जाना, एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। तो लकड़ी भी उठा करके ले आए हैं और ले चलते हैं अंदर, फटाफट से तैयारी करते हैं खाने की। और यहाँ पर जो है देखिए, ये हमारी प्यारी सी दीदी हैं, बड़ी वाली हैं और मम्मी को देखने आई हैं। और वैसे तो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो दीदी को आए हुए यहाँ पर जो है 1.5 घंटे तक हो गया है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा चावल का आटा रखा हुआ था तो उसके जो है लड्डू मम्मी बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था तो वही दीदी से कह रही हैं तब तक जो है अभी ये तैयारी करती हैं खाने की, तब तक जो है तुम इसको कल्हार लो घी डाल के। तो इसमें घी दीदी ने डाल के और इसमें चावल का आटा अच्छे से कल्हारेंगी यानी। और हमने जो है इधर रख दिया है थोड़ी सी मूंग की दाल और उसको जो है गैस पे रख दिया है तो वो पक रही है। और ये आटा जब तक ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसको जो है पकाया जाएगा। और इधर जो दाल हमारी है तो मम्मी को दवा जो है नुकसान कर रही है, जो चोट की है तो उनको जो है दिक्कत कर रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल खाना खाया था फिर दवा वगैरह खाया था सुबह। तो शाम को दोपहर में हमने पूछा था दाल डालने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था, तो अब डाल देंगे। तो इधर जो है ये दाल पक रही है, इधर जो है हम तैयारी कर रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं फरे बनाने के लिए क्योंकि शाम को बनाएंगे गोभी के फरे। और इधर दाल पक गई थी तो मम्मी को खाना दे दिया है तो ये भी खा चुकी हैं और फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। और इधर दीदी जो है लड्डू भी बनाती जा रही हैं, साथ में वो भी बन जाएंगे, उससे भी जो है फुर्सत मिल जाएगी। तो मसाला हमारा पीस चुका है और अब चलते हैं सब्जी जो है छौंक देंगे। लाइट जला ले थोड़ा। यो ज्यादा लग रहा खा रहे हैं छोहरा, डर दो डर तो डर दो तारो, ये बड़े बड़े कटे हैं बहुत। और इधर जो है गुड़ डाल के रख दिया गया था थोड़ा पानी डाल के, तो पाक भी बन चुका है। और इसका पाक बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि बस गुड़ घुलने का टाइम होता है, एक बार बस खोलने लग जाए यानी उबाल कस के आ जाए तो बस लड्डू आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आटे में ड्राई फ्रूट केवल जो है छुआरे थे और नारियल था, तो बस यही दो चीज़ें डाल दी गई हैं। और क्योंकि अब लास्ट का टाइम था तो ज़्यादा कुछ था नहीं और मंगाया भी नहीं गया है, और यहाँ बस दो ही चीज़ें थी। और इधर चूल्हा खाली हो गया है तो हम जा रहे हैं सब्जी छौंक देते हैं, तो सब्जी पकेगी। इधर दीदी जो है लड्डू फटाफट से बना करके रख लेंगी, तो कढ़ाई धुल देते हैं। फूल है मतलब किनारा पूरे में फूल फूलों है, और भी दिखावा है दिया नहीं दिखाई के और भी देर से दिखा देते हैं। बदल आई रखा
यहाँ पर जो है मम्मी साड़ी लेकर के आई हैं, तो वही देख रहे थे हम लोग। तो इसका जो है कुछ लाइट कलर नहीं था, तो वही देख रहे थे। तो अब दीदी जाएंगी, और यहाँ पर गांव में ही थे, बेचने आए थे। तो वैसे दुकानों से यहाँ पर अच्छे दामों में मिल जाती हैं, इसी वजह से। तो अब दीदी जाएंगी तो थोड़ा देख के ले आएंगी। और यहाँ पर जो है बाबू फुसला रहे हैं अपनी बुआ जी को, और ये कह रहे हैं कि हमको जो है बुआ जी आपके फ़ोन में कार्टून आता है तो वो हमको देखना। मैम के ऊपर भी हगा था क्या बाबू? मैम ने मारा नहीं था, मैम ने मारा नहीं था बाबू को, नहीं मारा था। मारेंगी अब आगना नहीं। बड़ा लता है। यहाँ पर जो है चावल के लड्डू बन चुके हैं, और आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर जो है छोटी दीदी बात कर रही है बाबू से, तो सुनिए। याद गलत है, याद कर रहे थे। तो लड्डू बन चुके थे, उसके बाद में यहाँ पर जो है फिर फले बनाने लग गए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने कहा चलो फले फटाफट जो है बना लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ गोभी के फले बहुत बार शेयर किया है। तो यहाँ पर जो है फटाफट बना लेते हैं दोनों लोग मिल करके, और जल्दी हो गया था। और बाहर जो है आग जल रही है, तो सभी लोग वहाँ बैठे हैं, और फटाफट जो है अब खाने का टाइम है, लेकिन कुछ टाइम हो गया था बनाने में। तो फरे पकने में काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद में जो है गर्मा गर्म दे दिए हैं बाहर, और इधर लहसुन छीलने लग गए हैं क्योंकि सुबह की तैयारी करना है। बड़े बड़े डिब्बी डिब्बा 100 रुपये खाली है। और फिर जो है लहसुन वगैरह छील के आ गए थे, हमने कहा चलो दीदी गरम गरम खा लिया जाए, और मम्मी को भी दे दिया है। और ये सभी लोग खा चुके हैं, बिटिया भी खा चुकी है, दीदी की छोटी वाली आई हैं। और यहाँ पर जो है हम सभी लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से फटाफट से, और आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर खाने के बाद में लग गए हैं बर्तन धुलने, तो काफ़ी बर्तन हैं क्योंकि कढ़ाई भगोना वगैरह जले हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा इनको धुलने में। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी वीडियो शूट किया था, अभी सभी लोग बाहर आग के पास बैठे हुए हैं, और हम जो है
काफ़ी बर्तन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो फटाफट से धुल लेते हैं। और आज हमारे यहाँ जो है लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, और जब लाइट कम होती है तो ये बल्ब जो हैं चार्ज वाले हैं तो ये भी डाउन हो जाते हैं, ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, तो इस वजह से और हमको बर्तन धुलने में काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर सब लोग जो है चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लेटने की, तो सब लोग छत पे जा रहे हैं और हमारे भी बर्तन थोड़े से बचे हुए हैं तो इनको धुल लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी दोस्तों की फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे। तो दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार दोस्तों।